जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन, मतलब कि कुष्मांडा माता रानी का दिन, और इन माता रानी को ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और अपनी माँ भगवती को भी ऑरेंज कलर का लहंगा पहनाऊँगी मैं। यहाँ मैंने माता रानी को स्नान करवा के उनके स्थान पर उनको विराजमान कर दिया है, लक्ष्मी गणेश जी को भी और पीताम्बरा माता रानी को भी। तो आज दिन है संडे का, तो हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो बस वो भी अभी जब तक मैं तैयारी कर रही हूँ तब तक वो भी अपना नहा धोकर आ जाएंगे। और भैया हमारे घर में तो ना पेंट का इतना काम लंबा खिंच गया है ना कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब पेंट का जो थोड़ा सा रिपेयरिंग रह गई थी, तो आज दो लोग उसको रिपेयर करने के लिए आए हैं। जैसे कि ना पूरा पेंट हो गया था, उसके बाद में भी घर में रह जाती है ना कुछ कुछ कमियाँ, तो वो हमने नोट कर ली थी। वो बोल कर गए थे भैया कि आप नोट कर लेना, फिर हम एक दिन का टाइम निकाल कर आएंगे तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। तो आज वो वाली चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि आज हस्बैंड ने काम फैला रखा है कि फॉल सीलिंग में ना जितनी भी लाइटें ख़राब हो रखी थी तो वो सारी लाइटें उन्होंने लगाई हैं। तब तक मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था, फिर उसके बाद में उन्होंने सीलिंग में जब लाइटें लगाना स्टार्ट किया है तो जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर चढ़ते हैं, तो वो भी इधर से उधर खींच खींच के ना इन्होंने वैसे मतलब फ़र्श गंदा कर दिया। बाकी फॉल सीलिंग में जैसे लाइट को निकालते हैं पर दोबारा लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो कूड़ा उसमें से गिरता ही गिरता है, तो पूरे घर का तो फिर से दोबारा से वही हाल हो चुका है। और पता नहीं यार, रोज़ डेली ना लगता है कि आज काम ख़त्म हो जाएगा, आज काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। तो जी ये तो थी मेरी घर गृहस्थी की बातें। यहाँ मैंने अपनी माता रानी को तिलक कर दिया है और सॉरी, और ये जो मैंने नवग्रह जो माता रानी स्थापित करी हैं मैंने, उनकी भी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ कि पहले दिन पहली माता रानी की करती हूँ, दूसरे दिन पहली और दूसरी माता रानी को, तीसरे दिन पहली दूसरी और तीसरी माता रानी को, जिससे मुझे ना बहुत अच्छे से ध्यान भी रहता है कि कौन सी वाली माता रानी की आज पूजा प्रॉपर तरीके से करनी है। तो यहाँ मैंने माता रानी को कुमकुम लगाने के बाद में खुद अपने तिलक लगा लिया है, और सिंदूर वाली जगह पर भी थोड़ा सा कुमकुम ज़रूर लगाना चाहिए, सुहागन जो स्त्रियाँ होती हैं। तो यहाँ ये भी आ गए हैं नहा कर और माता रानी को फूलों का हार पहना दे रहे हैं। आज तो हार आ गया था एक्चुअली ना, हमारे आसपास में फूलों का हार मिल ही नहीं रहा है। फूल तो मिल जाते हैं लेकिन हार नहीं मिल पा रहा है, तो ले आए थे मार्केट से शाम के टाइम पर ही, तो फिर सुबह हम उसी को पहना देते हैं माता रानी को। यहाँ हम यज्ञ की तैयारी करने लगे हैं, मतलब कि जो अग्यारी होती है, और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा अग्यारी के बगैर मतलब संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो यहाँ सामग्री कपूर और लौंग बताशे के साथ में हम 5 आहुतियाँ देकर गायत्री मंत्र का जाप करके अपना हवन कम्प्लीट कर लेते हैं। और हाँ जी, तो यहाँ हमारी हो गई है पूजा कंप्लीट, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये बनाने लगे हैं चाय, क्योंकि मेरे घर में हमेशा ही जब ये घर में होते हैं तो यही चाय बनाते हैं। और मैं अपने लिए पूजा करने के बाद मैं कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये आज संडे का दिन है तो घर पर ही हैं तो इनको थोड़ा सा भूखा रहता है और इनके सर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं। तो बस इन्हीं की वजह से मैंने देसी घी डालकर उसमें मखाने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और मूंगफली हैं और बादाम हैं, और इसमें मैं फास्ट वाला नमक थोड़ा सा ऐड कर लिया है, तो चाय के साथ में हम लोग ले लेंगे। और यहाँ ये सबसे पहले माता रानी को भोग लगाने के लिए आए हैं, और इन्होंने ज़्यादा देर के लिए माता रानी के पास रखा हुआ भी नहीं छोड़ा है, बोल रहे हैं कि माता रानी तो खा ही लेती हैं, तो इतनी देर में खा ही लिया होगा उन्होंने, तो साथ के साथ इन्होंने अपना चाय और वो मखाने उठा भी लिए हैं। तो अभी हम लोग ये खा लेंगे, उसके बाद मैं सोने का तो होता नहीं है, और इधर मैं करने लगी हूँ ऊपर के जो पर्दे थे हॉल में से जो पर्दे निकले थे, तो आज उनको मैं वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ सारी जितने भी पर्दे की रिंग होती हैं तो इनको मैं एक डोरी के साथ में बांध देती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो रिंग निकल जाती हैं वो रिंग निकलती नहीं है, सेफ बनी रहती हैं। तो इनको मैं इसी तरीके से बांधने के बाद मैं पूरा अच्छे से ना वॉशिंग मशीन में डाल के साफ़ कर लूँगी। और इनको साफ़ करते करते एक्चुअली मुझे आज मार्केट भी जाना है, क्योंकि आज ये घर पर हैं तो जोत चल रही है मेरे घर पर, तो हम लोग अकेले छोड़ के जब माता रानी को नहीं जा सकते हैं इस तरीके से, तो आज संडे है तो ये घर पर हैं, तो मैं और किट्टू जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि जो कंजकियाँ करते हैं उनको देने के लिए भी मुझे कुछ सामान चाहिए था, लेकिन
क्या ही करें, मार्केट हम पहुंचे हैं, लेकिन मार्केट ये सोचकर हम आए थे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो करवा चौथ की भी कुछ ज़्यादा धूम नहीं होगी, दिवाली में तो अभी टाइम है तो दिवाली की शॉपिंग का तो अभी कुछ मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन यार मार्केट में आके पता लगा है कि देख ही रहे हो आप यहाँ पे कितना बुरी तरीके से ना जाम भी लगा हुआ है, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में कि ऐसे लग रहा था जैसे फ्री में ही सब कुछ मिल रहा हो, मार्केट में लूट सी मची हुई हो, मार्केट में इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ ना थोड़ी दूर पे पार्किंग थी स्कूटी की, तो वहाँ मैंने पार्क इसलिए नहीं करी कि मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ तो होगी नहीं तो वहीं पार्क कर लेंगे, लेकिन यहाँ आके तो इतना बुरा हाल हो गया, फिर बीच में हम इस तरीके से फंस गए, ना तो वापस जाने के थे, तो फिर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से ना स्कूटी खड़े करने का एक जगह पर जगह मिली। एक शॉप वाले जो भैया थे उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ भैया थोड़ी देर के लिए खड़े रहने दो, अभी आके बस मैं ले लूँगी। फिर हम कंजकों के लिए तो हमें कुछ नहीं मिल पाया क्योंकि जो भी चीज़ें मिल रही थी वो हमें सही नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें थी और आज के टाइम पर मतलब जो बच्चियाँ भी आती हैं उनको भी वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि प्लेटें थी खाने वाली, तो फिर हमने वो छोड़ दिया है। लेने के लिए तो हम वही आए थे, लेकिन यहाँ मैंने दिवाली की कुछ शॉपिंग कर ली है। अब दिवाली की शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा बहुत भी कुछ जो रह जाएगा वो मैं ले लूंगी। तो इस तरीके की मैंने लड़ियां ली थी, दिखाऊंगी मैं आपको किसी व्लॉग में, आज के व्लॉग में तो नहीं किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा था। ये लड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी और मैंने कुछ फ्लावर्स भी लिए थे इस जगह से, मैंने काफी सारी चीजें ली थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर थे। और दरवाजे के जो बंदरवाल होते हैं वो भी मैंने अभी ले लिए हैं, स्वास्तिक भी ले लिए हैं। दिवाली का मतलब ये कंप्लीट मैंने ले ही लिया है, फिर भी अगर कुछ चाहिए होगा तो ऑनलाइन मैं मंगा लूंगी, मीशो जिंदाबाद, क्योंकि मीशो से मैं बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ इस टाइम पे जो कि मैं किसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ आपको। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था, और बस हमने यहाँ ये सारी शॉपिंग करके जो लेने आए थे वो तो नहीं लिया, जो नहीं लेने आए थे वो सब कुछ ले लिया है। तो यह है कि दिवाली तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई, करवा चौथ की भी शॉपिंग मैंने नहीं करनी है। करवा चौथ का मेरे साथ में इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है, लोगों को थोड़ा सा रहता है ना कि करवा चौथ के नाम पर ही चलो ठीक है भाई मेकअप का सामान हो गया ये सारी चीज़ें हो गई, मेरे साथ में ऐसा नहीं होता है कि हम दोनों का बस जो प्यार मोहब्बत है वो ठीक ठाक बनी रहे, बाकी इन चीज़ों का कोई मुझे मतलब लालच होता नहीं है। तो करवा चौथ की भी ऐसी कोई खास शॉपिंग मेरी होती नहीं है, बाकी कपड़े ड्रेसेस वगैरह का है मेरे पास में कि दो साड़ियाँ मेरे पास में बिल्कुल नई रखी हुई हैं, बाकी का अगर कुछ होगा तो देखूंगी फैब्रिक लेकर आऊँगी, बाकी खुद ही स्टिच करूँगी। पहले तो मेरे घर में से ना साफ़ सफाई वाला ही काम ख़त्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने देखिए अभी नहीं बता रही मैं, सरप्राइज़ है आपके लिए कि मैंने क्या क्या लिया है, लेकिन यहाँ से मैंने बहुत सुंदर चीज़ें ली हैं और रीज़नेबल प्राइस में। और मेरे साथ में क्या होता है, मैं किट्टू को हमेशा ना इसलिए साथ लेकर जाती हूँ कि मैं पेमेंट कर देती हूँ बहुत जगहों पर चीज़ें छूट जाती हैं मेरी, या फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा देती हूँ। जैसे मैं अभी निकल कर जा रही हूँ, देखिए मैंने काली वाली पॉलीथिन गिरा दी, वो तो शुक्र है कि किट्टू पीछे थी इसलिए किट्टू ने पीछे से उठा ली, वरना मैं ऐसे ही चली जाती थैली गिराने के बाद में। तो चलिए ठीक है, जैसे तैसे करके ना हम यहाँ भीड़ में से, यहाँ तो फिर भी इतनी भीड़ नहीं लग रही थी, यहाँ से मैंने ये टोकरियाँ देखी थी लेकिन इनके बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे ये लोग, तो फिर मैंने यहाँ से अपना मुंह बना के मैं निकल आई, मैंने नहीं ली वहाँ से, यहाँ से उठाई है हमने स्कूटी अपनी। और देखिए अपना इतना ज़्यादा इस तरीके से मोड़ने मारने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि लोग चल ही इतने ज़्यादा रहे थे कि 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मार्केट में। तो यहाँ बस हम अपना शॉपिंग करके घर के लिए निकल गए, और यहाँ जो जाम है उसमें हम लोग फंसे रहे थे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद में थोड़ी दूर का था, मुश्किल से आधा किलोमीटर का भी नहीं था, उससे भी कम का था, लेकिन यहाँ हमें 1 से सवा 1 घंटा आराम से लग गया था। तो घर लौटते लौटते हमें बच गए थे 6, और यहाँ तक आते आते लगने लगी थी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख और प्यास, दोनों ही चीज़ लग रहे थे। तो हमने उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर ली है लस्सी, तो मैंने और किट्टू ने अपना लस्सी पी, उसके बाद में निकल गए थे हम घर के लिए। हाँ जी, तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर, और घर पहुंचते ही बस नहा धोकर पूजा पाठ में लगेंगे। और आज के मेरे व्लॉग में बस इतना ही, तो यहीं अपना व्लॉग का एंड करते हैं। मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, बाय बाय।